हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेबी पैरट को आप लोग क्या क्या हैंड फीडिंग कर सकते हैं और कैसे हैंड फीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हैंड फीडिंग करने के लिए पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एक बोल में गर्म पानी जो एकदम ही हल्का गर्म होगा और एक सत्तू का पैकेट। देख सकते हैं, मैं ये सत्तू को ये पानी के अंदर डाल दूँगा जो सत्तू पाउडर है। और पानी एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ये पाउडर को अच्छे से पानी से मिक्स कर लेना होगा क्योंकि ये एकदम पाउडर नहीं रहे और पूरा पानी में मिक्स हो जाए। तो देखिए, मैं ये इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। छोटा छोटा जो पाउडर रहेगा उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, नहीं तो ये बाट का गला में चोक कर सकते हैं। तो मुझको थोड़ा और लेना होगा। और पानी ठंडा रहेगा तो ये एकदम अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो पानी को हमेशा गर्म करना होगा पहले, और खिलाने से पहले उसको एकदम हल्का गर्म करके खिलाना होगा, वो आपको चेक कर लेना होगा। तो देखिए, ये एकदम पतला है, ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर आपका बाट एकदम छोटा है तो आपको ऐसे पतला करके ही पिलाना होगा, नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब मैं ये फार्मूला को सिरिंज पे उठा लूँगा। मैं एक 50 ml का सिरिंज लिया हूँ और आपको ध्यान रखना होगा सिरिंज के अंदर बबल्स और एयर ना रहे, तो मैं आप ये एयर और बबल को बाहर निकाल दूँगा। मैं तो ये फार्मूला को सत्तू पाउडर से बनाया हूँ। आप लोग इसको पेट्स लाइफ या फिर A19 A21 कोई भी फार्मूला से बना के खिला सकते हैं आपके बाट को। तो चलिए, अब मैं इसको बाट को खिला के दिखा देता हूँ। तो मैं अपना बाट को बाहर निकाल लूँगा। अब तो देखिए, ये मैंने अपना पहला वाला जो कोकोटेल का बेबी है उसको निकाल लिया। अब मैं इसको फिट करा के दिखाऊंगा। देखिए, इसका क्रॉप एकदम खाली है अभी। इसका बीक के अंदर आस्ते से सिरिंज को पकड़ के एकदम आस्ते आस्ते पुश करना होगा आपको, और ये खाना को अपने आप अंदर कर लेगा। तो देखिए, क्रॉप के अंदर ये जो फॉर्मूला है ये जा रहा है और क्रॉप आस्ते आस्ते भर्ती होके फूल जा रहा है। तो देखिए, अभी क्रॉप कितना बड़ा हो गया पहले से। आपको ज़्यादा ओवरफिट नहीं कराना होगा, आपको ये क्रॉप चेक करना होगा। अगर ओवरफिट कराएंगे तो बाट को बहुत सारा इशू हो सकता है। तो देखिए, इसका क्रॉप फुल हो गया। अब मैं मेरा दूसरा बाट को लेकर आ रहा हूँ। ये है मेरा दूसरा लुटिनो कोकाटेल का बेबी। इसका भी देखिए क्रॉप पूरा खाली है। इसका भी होट के अंदर मैं सिरिंज को पकड़ूंगा आस्ते से। और मैं आस्ते आस्ते पुश करूंगा। तो देखिए, जैसे ही मैं पुश कर रहा हूँ उसका क्रॉप के अंदर खाना जा रहा है और उसका क्रॉप भर के फूल जा रहा है। आपको ध्यान से पुश करना होगा ताकि ये खाना नाक के अंदर ना चले जाए, और हमेशा आपको राइट साइड से फिट कराना होगा। देखिए, मैं राइट साइड से फिट कराना हूँ बर्ड का। ये थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है खिलाने पे। इसका भी क्रॉप फुल हो गया, तो मैं अब इसको अंदर डाल दे रहा हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।